लॉकडाउन का एनफोर्समेंट बाय एंड लार्ज सख्ती से हो रहा है। कल गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एक एडेंडम जारी किया है। इस एडेंडम द्वारा फिशिंग और मरीन एवं एक्वा कल्चर इंडस्ट्री यानी कि मछली पालन उद्योग को लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट किया है। अब इस इंडस्ट्री से जुड़े ऑपरेशंस और प्रक्रियाएं जैसे फीडिंग, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल, मार्केटिंग इत्यादि अलाउड होंगी, परंतु संस्थाओं के हेड्स की जिम्मेदारी होगी कि वे सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का अनुपालन सख्ती से करें। ज़िला अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होगी कि वे इन गाइडलाइंस का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट सुनिश्चित करें। आज गृह मंत्रालय ने स्टेट्स और यूटीज को पत्र लिखकर फिर से आग्रह किया है कि डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टाफ को आवश्यकता अनुसार पुलिस सिक्योरिटी दे अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतु जाते हैं और जहां पेशेंट्स क्वारंटाइंड हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ और सप्लाईज की स्थिति नियंत्रण में है और हर लेवल पर मॉनिटर हो रही है। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी कि कई लोग आगे आ रहे हैं। हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी इस मुहिम में आगे आए हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। अपने परिसरों में क्वारंटाइन कैंप्स लगाने के अलावा उन्होंने इस संदर्भ में कई कदम उठाए हैं। सीएपीएफ जनता में जागरूकता फैला रहे हैं। उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हैं। उन्होंने कई स्थानों में स्ट्रैंडेड वर्कर्स इत्यादि को सूखा राशन और पैक्ड भोजन उपलब्ध कराया है। वे अपने अस्पतालों में भी सुविधाएं विकसित करके आम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि हम सब के सहयोग से कोविड चेन को तोड़ने में सफल होंगे। आज तक हमने 1,71,718 सैंपल्स का टेस्ट किया है। उनमें से 16,564 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। इन 16,564 में जो ICMR का नेटवर्क है उसमें आज के तौर पे हमारे 146 लैब्स हैं। उनमें से हमने 14,210 लोगों का सैंपल टेस्ट किया। प्राइवेट लैब्स की संख्या अभी 67 है। उनमें 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर प्लीज। जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि जिस दिन से कोविड-19 ये डिजीज़ हम लोग के सामने आई है, इंडिया का रेस्पॉन्स हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अर्ली एक्शन। हम लोग प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड उस पद्धति के तहत देश में काम कर रहे हैं। हमारी एक ग्रेडेड अप्रोच रही है जिसके तहत जैसे जैसे सिचुएशन देश में, देश के बाहर इमर्ज होती रही, उसी तरीके से हमारा उससे अलाइन करते हुए हमारा रेस्पॉन्स कोविड-19 के प्रति रहा है। आज देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए राज्यों के साथ PPEs, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिंस, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाई को इंश्योर कर रही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जिनके द्वारा इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, उसको भी स्टेट के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अब तक की अगर संख्या देखें तो 586 डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलाकर, जिसके द्वारा करीब 1,00,000 प्लस बेड्स, आइसोलेशन बेड्स और करीब 11,500 जो उसमें ICU बेड्स भी उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। और मैं आप लोगों को दृष्टि में लाना चाहूँगा कि यह फिगर दिन प्रतिदिन
हम बढ़ाते जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन इवेचुअलिटी। इसके साथ ही आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टिंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जो अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी, उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के जितने डीएम्स हैं कि आप जब डिस्ट्रिक्ट का एक कंटिजेंसी प्लान बनाएं तो उसमें उन गाइडलाइंस को भी शामिल किया जाए। स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर एफर्ट है कि कंटेनमेंट पॉलिसी, कंटेनमेंट एक्शन प्लान, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लिनिकल मैनेजमेंट पेशेंट का ढंग से किया जाए, तरीके से किया जाए। और इसी के तहत ही इससे पहले भी एम्स में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। एक और सीरीज ऑफ वेबिनार्स जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए इस वीक हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के माननीय मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर कलेक्टिव अपने रिजॉल्व को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोगों को इसमें काम करना है। अब तक का अगर डेटा देखें तो 642 लोग, 642 पीपल दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। कल 1035 टोटल इंक्रीज्ड केस में नोट किया गया है और जिसके साथ ही टोटल केसेस की संख्या 7447 हो चुकी है। यस्टरडे 40 डेथ्स वर रिकॉर्डेड और जिसको मिलाएं तो टोटल 239 डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्टडी क्या वह ICMR की स्टडी है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ICMR की ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन उस स्टडी से संबंधित वह स्टडी नहीं है मैं आप सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ, केसेस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं उससे संबंधित एक एनालिसिस की थी। वो एनालिसिस शायद आप उस एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो उस एनालिसिस के द्वारा मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे हम सबको पता है 22 मार्च को हम लोगों ने जनता कर्फ्यू देश में इम्प्लीमेंट किया था जिसमें देश के हर नागरिक ने अपना सपोर्ट दिया। 25 मार्च से हम नेशनल लॉकडाउन की स्थिति में हैं। अगर हम देखें कि हम कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर नहीं करते तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ ग्रोथ बेस्ड एनालिसिस है, जिसको कि मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये कोई ICMR की स्टडी नहीं है, ये केवल स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। और उसी के तहत अगर हम लोग जो हमारा लॉकडाउन से पहले की स्थिति है उसमें हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ केसेस करीब हाईएस्ट जो है 28.9% रिकॉर्ड हुआ, तो उसके तहत शायद हमारे 1.2 लाख केसेस 15 अप्रैल तक हम रीच कर पाएंगे। और उसके कंपैरिजन में देखें तो अब हम लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स, जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्सट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 200,000 केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। तो यह स्टडी जस्ट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम इस बैटल से निपट सकें, लड़ सकें। इसके साथ ही मैं हमेशा आप लोगों की दृष्टि में लाता रहा हूं कि जो मेजर एक्शन है वे फील्ड पे हमारे सेनानी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्रंटलाइन वर्कर्स इस बैटल को, हर तरह के रिस्क को, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को भी होते हुए भी आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उससे संबंधित एक आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो हमारा फर्स्ट क्लस्टर आया था वह आगरा में आया था और उस क्लस्टर पर कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे स्टेट गवर्नमेंट और कैसे फील्ड साइट पर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने मिलकर काम किया। तो अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा एक्शन, हमारी पूरी अप्रोच हमेशा से रही है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। हमने उसमें अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारा स्मार्ट सिटी का कंट्रोल रूम था उसको इस्तेमाल किया। हमारा फोकस रहा एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स पर
और हमने साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हुए मेडिकल अपनी जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया। इसके साथ ही जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से हमारे फील्ड पर हमारे वल्नरेबल सेक्शन के लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए भी हमने फूड और सिविल सप्लाईज फॉर नीडी उस पर काम किया, इसेंशियल सप्लाई चेन को मेंटेन किया, और यह सब कार्य करते हुए कैसे हमें सिटीजन को इन्वॉल्व करना है यह भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा था जिस पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। इससे पहले भी आप लोगों की नॉलेज में आता रहा है कि अगर कोई भी एक केस पाते हैं तो हम उस केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के भाग में हम पूरा वेरीफाई करते हैं वे केस कहाँ कहाँ गया। तो जैसे कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये पहला केस उनकी दृष्टि में आया 25 फरवरी में, तो उन्होंने उस पूरे केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कि वह दिल्ली कब पहुँचे, दिल्ली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे या अपनी फैक्ट्री में रहे, उसके अलावा किस किस रेस्तरां में गए, उस रेस्तरां में किससे इंटरेक्ट किया, तो वह एक हमारा कॉन्टैक्ट बनता है। उसके तहत जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने एपिसेंटर और हॉटस्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद हर बार हम आप लोगों की दृष्टि में रहे लाते रहे हैं कि हमारा एक क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान, हमारा एक आउटब्रेक कंटेनमेंट प्लान होता है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी जो सेंट्रल टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एपिसेंटर को आइडेंटिफाई किया। एपिसेंटर को मैप पे आइडेंटिफाई करके कितने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर पॉजिटिव केस का इम्पैक्ट रहा उसको मैप पर डिलीनेट किया गया। डिलीनेट करने के बाद उन्होंने स्पेशल टीम्स बनाई, तो जैसे उन्होंने 3 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने कंटेनमेंट जोन माना, 5 किलोमीटर के एरिया को उन्होंने उसके बफर जोन के तहत मानते हुए उसके अंदर जितने भी हमारे अर्बन परमानेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया। साथ में हर पर्टिकुलर एरिया का उन्होंने एक माइक्रो प्लान बनाया। 1248 स्पेशल टीम्स बनाई गई जिसमें कि नगर निगम और हेल्थ के स्टाफ ने मिल मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी पॉपुलेशन थी करीब 9.3 लाख लोगों का उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, सर्वे किया, और उसके बाद उसमें उन्होंने जब हाउस टू हाउस सर्वे किया तो 2500 लोगों को ऐसा पाया गया जिनको कफ, कोल्ड या फीवर के सिम्टम्स थे, और जिसके तहत उन्होंने फिर उनका सैंपल बेस्ड ऑन सैंपल क्राइटेरिया उस तरह से करके मॉनिटर किया। आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम का इस्तेमाल किया जिसको उन्होंने एक वॉर रूम के रूप में कन्वर्ट किया। सेंट्रल हेल्पलाइंस एस्टैब्लिश की गई, मल्टी फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट टीम्स बनाई गई जिन्होंने पर्टिकुलर हेल्थ के अलावा डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पर एक्ट किया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों ने मिलकर लॉकडाउन और क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया। जब हम यह काम कर रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कैसे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ और कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ और क्लस्टर कंटेनमेंट में काम हो उस पर पूरा फोकस किया गया, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक हमारा मेजर कॉम्पोनेंट रहा। साथ में हमने क्रिटिकल हॉटस्पॉट्स और क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और जितने भी क्लस्टर्स थे उनको जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं उनको एक्टिव सर्वे और कंटेनमेंट के थ्रू उन्होंने मैनेज किया। वाइल ऑल दीज एफर्ट्स वर गोइंग ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट को मैनेज करना भी उतना ही बड़ा एक चैलेंज था, तो जिसके तहत उन्होंने लोकल प्रोवाइडर्स ऑफ फूड और मेडिकल सप्लाईज को आइडेंटिफाई किया और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डोर डिलीवरी के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट कराया। साथ ही इसेंशियल कॉमोडिटीज़ को मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए उन्होंने ई फास्ट फैसिलिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसके साथ ही वाइल ये सारे एफर्ट्स चल रहे थे तो कैसे हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, एनिमल्स एंड काउज हैं, उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेशन, हमारे वल्नरेबल सेक्शन जो होमलेस एंड नीडी हैं उनका खाने से रिलेटेड और उनके रहने से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करना, ई कॉमर्स को प्रमोट करना ताकि उसके द्वारा हम डोर डिलीवरी ले सकें। इसको करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक सेल्फ रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई जिसके थ्रू वह अपना रिस्क डेफिनेशन पा सकते थे, वह अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको आरोग्य सेतु के बारे में बताया है तो उसके थ्रू वो हेल्पलाइन के थ्रू बात कर सकते हैं, और साथ ही जितने भी सिटीजन के रेस्पॉन्स आए उनको क्लासीफाई किया गया मीडियम और हाई रिस्क में, और जो भी मीडियम और हाई रिस्क केसेस पाए गए उनको आउटबाउंड कॉल के द्वारा मॉनिटर भी किया गया। यह सारा कार्य करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट में जब टोटल हमारे 92 केस आए, 92 केसेज आए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 5 केसेज आर फुली रिकवर्ड, 87 केसेज आज भी हॉस्पिटल्स में अंडर वॉच हैं, और खुशी की बात यह है कि उनमें से कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। इस पूरे कार्य को करते हुए जिले ने 38 एपिसेंटर आइडेंटिफाई किए थे जिसमें से
10 एपिसेंटर में काम करते हुए उनको पूरी तरह से क्लोज भी कर दिया गया, जहां पर कि कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, कोई हाई रिस्क केस नहीं पाया गया है। यह पूरा एफर्ट करते समय पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन्होंने 566 बेड्स का पेड क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए। इसी तरीके से 3060 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स फॉर पीपल टू स्टे, उसको फ्री सेंटर्स बनाए गए। और साथ ही जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वह अपने हॉस्पिटल के पास ही काम कर सके, तो उनको भी उन्होंने ऑफिशियल क्वारंटाइन सेंटर्स बना के हॉस्पिटल्स के पास रखकर उसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। आज यह सब मैं आपकी दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा फील्ड वर्कर पिछले 2.5 महीने से हर तरीके से इस महामारी से जूझ रहा है। उनका प्रोत्साहन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अंत में ही कहना चाहूँगा, सोशल वैक्सीन यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग पर हमें फोकस करना है। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल साबित करें कि जब हर तरीके से दुनिया जूझ रही थी तो भारत ने एक सक्सेस क्रिएट करके दिखाया कि हम लोगों ने कलेक्टिव मिलकर इस महामारी से लड़ाई में जीता। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 2 मंत्रालयों की अतिरिक्त जानकारी आपके सामने रखूंगा। डिस्पाइट लॉकडाउन देयर हैज बीन ए मोर देन 11% इंक्रीज इन एरिया कवरेज अंडर समर क्रॉप्स एज ऑन यस्टरडे। दिस इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रॉम द रेलवे मिनिस्ट्री, मोर देन 1 मिलियन फ्री हॉट कुक्ड मील्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू नीडी पर्संस बाय इंडियन रेलवेज अक्रॉस 313 लोकेशंस इन द कंट्री। द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन PIB वेबसाइट। नाउ वी टेक क्वेश्चंस। अवंतिका घोष, इंडियन एक्सप्रेस। How many rapid test kits have we got so far, and also the fact that WHO has given out a scientific brief where it says that these are only to be used in research settings and nowhere else, and so on what basis are we then going ahead with the use in clusters and other places? Abhi tak जो सप्लायर ने बोला है डिलीवरी करेगा वो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन वो 2-3 दिन में देने का बोल चुका है, तो किट्स तो आएंगे। अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा? ये एंटीबॉडी किट्स हैं, एंटीबॉडी किट्स रहने की वजह से वो देरी से पॉजिटिव आते हैं। जब वो आते हैं वो किस चीज़ का निदर्शक होते हैं? वो ये बताते हैं कि इंसान के शरीर में ये विषाणु गया था क्या, वो विषाणु पहले गया होगा इंसान ठीक हो गया होगा, या तो ऐसे होगा कि वो विषाणु आज भी है तो उसको बाद में PCR करना पड़ता है। अब इसका फ़ायदा कहाँ होगा? इसका फ़ायदा 2 जगह पे होगा। आप अगर हॉटस्पॉट्स में जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि कितने लोगों का एक्सपोजर हुआ है, यानी अपने यहाँ बीमारी कितनी फैली हुई है, ये अगर समझना है तो ये किट को इस्तेमाल करके आप ट्रेंड निकाल सकते हैं। यानी आज इतने लोगों को हुई थी वो हॉटस्पॉट में, कल इतने लोगों को हुई, तो मैं कंटेनमेंट मेजर्स में कितना सक्सेसफुल रहा। दूसरा फायदा इसका क्या होता है, जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर है, वो हेल्थ केयर वर्कर का मैंने टेस्ट किया, उसकी टेस्ट अगर पॉजिटिव आई, उसका PCR अगर निगेटिव आया, तो वो इम्यून हो चुका होगा, इसलिए वो काम को जा पाएगा। नहीं तो जो डर रहता है मन में कि क्या वो वापस जा सकता है, वापस जाने के बाद में दूसरे को बीमारी लगेगी क्या, ये डर निकालने के लिए भी ये टेस्ट काम आएगी। ये फर्स्ट जनरेशन टेस्ट है, फर्स्ट जनरेशन यानी नई नई शुरुआत है। जैसा टाइम जाएगा ये भी रिफाइन होएगी और ये टेस्ट भी उतनी ही कामयाब होगी जैसे इस किस्म के दूसरे बीमारियों में हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन, HCQ इज यूज फॉर मेनी अदर एलिमेंट्स, केमिस्ट्स आर रिपोर्टिंग शॉर्टेज ऑफ HCQ, हाउ इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू एड्रेस दिस कंसर्न? सर, HCQ देयर इज नो शॉर्टेज इन द कंट्री एट ऑल। आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर हम लोगों को प्रोजेक्शन हमारी 1 करोड़ टैबलेट्स की थी, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में 3.28 करोड़ टैबलेट्स आज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे आपने पूछा है कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कैसे किया जाए, तो जो हमारे को अभी तक अवेलेबल डेटा मिला है उसके तहत 2.65 करोड़ टैबलेट
आज प्राइवेट सेक्टर के पास जो हैं, और इसके साथ ही कल जैसे मैंने बताया एडिशनल 2 करोड़ टैबलेट थ्रू फार्मा मिनिस्ट्री हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जो फील्ड लेवल पर एडिशनली प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड किया जाए। माय क्वेश्चन इज फॉर ICMR स्पेसिफिकली सर, हाउ हैज बीन द रिस्पांस ऑफ HCQ ऑन द फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड स्पेसिफिकली हाउ व्हाट हैज बीन द सक्सेस स्टोरी एंड सेकंड पार्ट इज लाइक हैज दैट बूस्टेड द इम्यूनिटी ऑफ दीज वर्कर्स एज वेल। थैंक यू। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई स्टडी की हम बात करते हैं तो वो ऐसे मोड पे रहे कि उसके रिजल्ट्स एनालाइजेबल रहे, उसका हम जनरलाइज कर पाए, यानी उसके आधार पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए ये बोल सके, उसी वक्त हम ये बोलने के पोजीशन में रहेंगे। एक इसलिए मैं अभी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर जो मैंने पहले बताया था, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लंबा रहना चाहिए। अगर वो न रहा तो मेरे कंक्लूजन्स गलत आ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे के बोलता हूँ कि समझ लीजिए मैंने ये स्टडी सिर्फ 5 दिन किया और 5 दिन में बीमारी लगने का चांस कम होगा, मैंने 15 दिन अगर ड्यूरेशन रखता था तो मुझे क्या लगेगा, ये दवा जो है ना ये बहुत असरकारक है, लेकिन ये कितना सही होगा ये मैं बोल नहीं पाऊँगा। इसलिए उसको थोड़ा टाइम दीजिए, वो समझ में आ जाएगा। एक मन में से निकालना बहुत ज़रूरी है, ये प्रोफिलैक्सिस की दवा करके हम देख रहे हैं, अभी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटी करके देख नहीं रहे हैं, तो हमको इसका उपयोग जो है वो सिर्फ डॉक्टर्स में करना है ये स्टडी के अंतर्गत, या जो लैब कन्फर्म केसेस हैं उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें ही करना है। ये पैनिक जो फैल चुका है इसमें अक्सर ये दिखाई देता है कि हम थोड़ा रीजनिंग जो होता है, हमारी सोच जो होती है थोड़ी इमोशनल बन जाती है, हम ये सोचते हैं कि मैं भी खा लूँ तो अच्छा होगा, ये टालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास उतना एविडेंस नहीं आएगा हम आम लोगों को ये दवा लेने के लिए हम न बोलेंगे, न उनको ये लेना उनके सेहत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी दवा जो रहती है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर को मालूम होते हैं किसको देना चाहिए कैसे देना चाहिए, इसका तो हमने कभी रिकमेंडेशन नहीं किया अभी। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।